स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वर्ड और वर्ड से हम वर्ड 2019 कवर करने वाले हैं। आज फर्स्ट प्रीव्यू हमारा वर्ड का कुछ इस तरीके से मिलता है हमारे को, जहां लेफ्ट हैंड साइड हमारे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसपे हम ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं, और उसमें अगर मेरे को कुछ भी एड ऑन करना है तो मैं डायरेक्ट यहां से अपनी फाइल को ओपन कर सकता हूं। इसके अलावा वर्ड हमारे को कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स ऑफर करता है, लाइक बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर्स, लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूम्स। एंड रिज्यूम तो हमारी जॉब लाइफ का पहला पार्ट है कि आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फर्स्टली हमारे को अपना रिज्यूम शेयर करना पड़ता है, तो आप डायरेक्ट यहां से अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्लिक ऑन दिस रिज्यूम एंड कवर पेजेस, एंड आफ्टर दैट हमारे सामने ढेर सारे फॉर्मेट्स ओपन हो जाएंगे, और जिस फॉर्मेट में भी हम अपनी डिटेल्स को ऐड करना चाहेंगे उसी फॉर्मेट में मेरा रिज्यूम रेडी हो जाएगा। तो चलिए एक फॉर्मेट ले लेते हैं यहां से, देखते हैं कैसे हो पाएगा। सपोज मैंने यहां से ये वाला फॉर्मेट चूज किया, तो डबल क्लिक के बाद देखिए। एंड वन मोर थिंग, ये टेम्पलेट्स आपको हर एक फील्ड प्री डिफाइंड करते हैं कि आपको कहां क्या ऐड करना है, लाइक कहां आपको अपना नेम डालना है, अपना एड्रेस डालना है, कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी है, या आपको अपना क्वालिफिकेशन डालना है, फोटो ऐड करना है। तो एक मतलब प्री डिफाइंड फॉर्मेट मिल गया मेरे को, जस्ट अपनी डिटेल्स एड ऑन करनी और मेरा रिज्यूम रेडी। लेकिन बेटा हमारा आज का पार्ट है कि हम न्यू डॉक्यूमेंट पे वर्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए फाइल ऑप्शन पे चलते हैं और फाइल में न्यू। तो यहां पे एक मेरे को ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है, डबल क्लिक ऑन दिस, तो हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब स्क्रीन पे बात करूं तो होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ऑल आर आवर टैब्स। ये हमारे क्या है, टैब्स। एंड आफ्टर दैट क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग आर ग्रुप्स, और इस ग्रुप के अंदर हमारे ढेर सारे ऑप्शन है। अगर आप किसी न्यू यूजर को किसी ऑप्शन के बारे में समझाना चाहते हो कि वो आपका ऑप्शन कहां अवेलेबल है, तो चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे। सपोज मैं आपको रिप्लेस ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूं, तो फर्स्टली मैं क्या बताऊंगा कि फ्रॉम होम टैब एडिटिंग ग्रुप एंड ऑप्शन अवेलेबल दैट इज रिप्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ा इजीली न्यू यूजर भी हमारा उस ऑप्शन तक पहुंच पाएगा। अब हम फर्दर बात करें तो वर्ड का मैक्सिमम जूम हमारा 500% है और मिनिमम जूम हमारा 10% रहेगा। एंड क्वेश्चन इज दैट कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या मिलता, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जी हमारा 100%। बाय डिफॉल्ट हमारा 100% ही ओपन होगा और मोस्टली हम 100% पे ही वर्किंग करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड पेजेस बताता है कि आपके कितने पेजेस ओपन हैं और आप किस पेज पे अभी एग्जिस्टिंग स्टेज में आप एग्जिस्ट करते हैं। आफ्टर दैट वर्ड काउंट, कितने वर्ड हम टाइप कर चुके, एंड लैंग्वेज, चलिए हम कुछ टाइप कर लेते हैं फर्स्टली। तो बेटा देखिए, अगर आपकी क्लास करवानी है तो या तो मेरे को 2, 4, 5, 10 लाइंस मैनुअली टाइप करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी शॉर्टकट है कि मैं डायरेक्ट 10, 15, 20 लाइंस लिख लूं तो बड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए मेरा टास्क। तो चलिए, इज इक्वल टू आर ए एन डी, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंड प्रेस एंटर। तो देखिए, एक सिंगल शॉर्टकट ने मेरे को 10, 12, 15, 20 लाइंस प्रोवाइड की है, जिसकी हेल्प से मैं आपको एडिटिंग्स यहां पे सिखाने वाला हूं। इसके पीछे एक और लॉजिक है, चलिए एक बार बैक चलते हैं। आपके बारे में सिर्फ यहां पे डाला था कमांड, लेकिन इसमें कुछ चेंजमेंट कर लेता हूं मैं। मैंने डाला 10.5 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, मतलब मैं जो मेरी कमांड थी इज इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन, और उसके अंदर मैंने दो न्यूमेरिकल फिगर्स डाला 10 और 5, एंड प्रेस एंटर। तो देखिए अब क्या हुआ, यहां पे मेरे 10 पैराग्राफ्स बन चुके हैं और 5 लाइंस हैं एक पैराग्राफ में। तो जो मेरा फर्स्ट फिगर था न्यूमेरिकल, वो डिनोट करता है हाउ मेनी पैराग्राफ्स इन ए डाटा,
और सेकंड वाला जो मेरा न्यूमेरिकल है वो फाइनल अप करेगा कि एक पैराग्राफ में कितनी लाइंस होने वाली है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए पेजेस भी अपडेट हो चुके हैं, वन ऑफ टू का मतलब है मेरे डॉक्यूमेंट में टोटल दो पेज हैं और मैं अभी फर्स्ट पेज पे हूं। 797 वर्ड्स में टाइप कर चुका हूं, ठीक है। आफ्टर दैट मेरे को थ्री लेआउट्स मिलते हैं वर्ड में। फर्स्ट आता है वेब लेआउट, जैसे मेरा वेब पेज होता है उस तरीके से मेरा डाटा आ जाएगा, जहां पे कोई इंडेंट्स नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, डायरेक्ट जैसे हम नेट पे कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, गूगल पे आर्टिकल पढ़ते हैं, लाइक दिस। सेकंड आता है मेरा रीड मोड। रीड मोड में क्या करेगा, जैसे बुक खुली हुई है हमारे सामने, खुली किताब की तरह मेरा डाटा मेरे सामने होगा। एंड आफ्टर दैट प्रिंट लेआउट, जिसका हम मोस्टली यूज करते हैं और जहां पे आज हम एडिटिंग्स करने वाले। तो फर्स्टली आज जो हम डिस्कस करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में चार ऑप्शंस हैं, कट कॉपी पेस्ट एंड लास्ट इज फॉर्मेट प्रिंटर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ना, अगर मैं कट कॉपी पेस्ट या फॉर्मेट प्रिंटर किसी का भी यूज करूंगा तो फर्स्टली मेरा टास्क रहेगा कि मैं अपने डाटा को सिलेक्ट करूं। तो होल सिलेक्ट के लिए शॉर्टकट क्या है मेरी, कंट्रोल प्लस ए। लेकिन मैं यहां पे पार्शियल सिलेक्ट करना चाहता हूं, मेरे को दो चार पांच लाइन सिलेक्ट करनी है। चलिए मैं सेकेंड पैराग्राफ को करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। तो देखिए मेरा डाटा सिलेक्ट हो चुका है और अब मेरा कट शॉर्टकट या कट ऑप्शन भी एक्टिवेट हो चुकी है। कट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स, या मैं मैन्युअली इस ऑप्शन का यूज करके भी कट कर सकता हूं। अच्छा, लेकिन पॉइंट इज दैट कट का काम क्या है, तो जिन चीजों की हमारे को आवश्यकता नहीं है हम उनको कट कर देंगे यहां से, लाइक दिस। देखिए मैंने उस पैराग्राफ को डिलीट कर दिया, यहां से कट कर दिया। और वापसी के लिए क्या करूं, अंडू कंट्रोल प्लस जेड। चलिए इस पे थोड़ी सी एडिटिंग्स कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर अप हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लिया है और कलर चेंज किया और फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर लेता हूं। और अब मैं अगर कट करता हूं, देखिए रेड डाटा मेरा गायब, फिनिश हो चुका है। कंट्रोल जेड से मैं वापसी ले आया। नेक्स्ट ओपन ऑप्शन इज कॉपी। अच्छा, कॉपी क्या है, एग्जाम में क्या करते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से कुछ मिल जाए, जस्ट कॉपी। तो सेम एज इट इज मैं इस एडिटिंग को, इस डाटा को कॉपी कर सकता हूं और पेस्ट हम दूसरी जगह उसको रख देंगे। तो कॉपी के लिए मेरी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी, या मैं ऑप्शन का यूज करूं। तो चलिए मेरा कॉपी हो चुका है। तो बेटा कट पेस्ट में ना अब चार ऑप्शंस मिले हमारे को। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, इस पैराग्राफ के बाद आ जाते हैं हम, थर्ड पैराग्राफ के बाद फर्स्ट ऑप्शन मिला जो हम हमेशा यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, और जिसको बोलते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, कि डिटो एज इट इज कॉपी कर दी, जैसे आप बगल वाले बच्चे से एग्जाम के समय कॉपी करते हो सेम वही पार्ट, डिटो कॉपी करेगा हमारा, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापसी चलते हैं। सेकंड क्या आता है, मर्ज फॉर्मेटिंग। अरे अरे अब क्या हुआ, फॉर्मेटिंग्स तो आई नहीं, मर्ज क्या किया इसने, तो सेम उठा लिया। चलिए इसको ना एक न्यू पेज ले लेते हैं, यहां से कंट्रोल प्लस एन क्या है, न्यू पेज की शॉर्टकट। और यहां अगेन मैंने शॉर्टकट लगाई और इस डाटा पे मैं थोड़ा चेंजमेंट करता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, ग्रीन कलर, फॉन्ट फैमिली ये लीजिए, थोड़ा सा इटैलिक एंड डिफरेंट फॉन्ट ले आया मैं, साइज भी चेंज कर लिया, इसको बोल्ड भी किया और इटैलिक भी किया। तो देखिए मैंने कॉपी किया और अगेन हम फर्स्ट पेज पे ही चलते हैं। अगर मैं रेड पैराग्राफ के बाद पेस्ट करता हूं और पेस्ट में मैंने यूज करना है मर्ज फॉर्मेटिंग,
तो देखिए क्या किया इसने, जैसा मेरी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी थी, यहां पे कलर था, फॉन्ट स्टाइल था, लगभग वही इसने खुद को चेंज कर लिया उसी फॉर्मेट में, मर्ज फॉर्मेटिंग, मर्ज मतलब मिल जाना, तो ये उसी के साथ मिलने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब मैं अगर इधर ले आऊं इसको, यहां मेरा बिल्कुल सिंपल था, और अगर यहां ट्राई करूंगा मैं मर्ज फॉर्मेटिंग का, तो देखिए अरे अब की बार कलर ब्लैक, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ब्लैक फॉन्ट है, लेकिन वन मोर पॉइंट इज दैट हम जब मर्ज पेस्ट करते हैं या मर्ज फॉर्मेटिंग के ऑप्शन की हेल्प से पेस्ट करते हैं, तो लाइक बोल्ड इटैलिक वगैरह इस टाइप की जो एक दो फॉर्मेटिंग्स है उसको ये पेस्ट कर देता है, और जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। जैसे क्लास का एक नलायक बच्चा है, उसके साथ दूसरा बैठ के खुद को वैसा ही बना लेता है, सेम कंसेप्ट है। आप इस डाटा को जहां भी पेस्ट करोगे ये उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं, अगेन कॉपी कर लेते हैं, फर्स्टली कॉपी, और अब की बार मैं यहां पे पेस्ट करूंगा, और पेस्ट का थर्ड ऑप्शन मैं यूज करने वाला हूं, पेस्ट एज पिक्चर। तो अब की बार क्या होगा, ये देखो अब की बार जो मेरा डाटा है वो एज पिक्चर पेस्ट हुआ है, ठीक है, तो मैं अपने टेक्स्ट को एज पिक्चर भी पेस्ट कर सकता हूं। एंड लास्ट ऑप्शन इज दैट कीप टेक्स्ट ओनली, अब की बार क्या करेगा, किसी भी एडिटिंग को नहीं लेके आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को लेके आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और कंट्रोल प्लस एक्स मैंने कट किया, अगेन मैं डाटा क्रिएट कर लेता हूं लाइक दिस, एंड थोड़ी सी एडिटिंग्स भी कर लेते हैं, इसपे काम आने वाली हैं आगे, ऑन फैमिली एंड साइज, अरे 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 कंप्लीट को सिलेक्ट किया, और मेरे को साइज चेंज करना है, बोल्ड इटैलिक वगैरह भी मैंने इफेक्ट डाल दिया, कॉपी किया, और पेस्ट में एक ऑप्शन मिला मेरे को पेस्ट स्पेशल। चलिए देखते हैं यहां से क्या हो पाएगा, पेस्ट में हम चले जी पेस्ट स्पेशल पे, देखियो पेस्ट और पेस्ट लिंक दो मेन ऑप्शन है, पेस्ट तो करेगा भाई, पेस्ट का ऑप्शन है, लेकिन वो कैसे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट, और एक ऑप्शन मिला कि डिस्प्ले एज आइकन, मैं उस ऑब्जेक्ट को आइकन की तरह डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो चेक ऑन दिस, और मैं आइकन भी चेंज कर सकता हूं यहां से, मेरे को कैसा आइकन, देखिए ढेर सारे आइकन है मेरे को जिसकी भी आवश्यकता है, सपोज मैं ये थोड़ा यूनिक सा ले लेता हूं, एंड देन ओके एंड देन प्रेस। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या आ चुका है, एक आइकन आ चुका है, लेकिन मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा एक न्यू विंडो मेरी ओपन हुई, और उस विंडो में मेरा वही डाटा जो मैंने कॉपी किया था वो आ चुका है। इन शॉर्ट जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट एज आइकन किया, और जब मैं आइकन पे क्लिक करूंगा तो मेरा डाटा जो कॉपी किया था वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर है यहां तक, एनी डाउट, ओके। तो पेस्ट स्पेशल में एक मिला पेस्ट लिंक, अब की बार क्या करेगा ये, सपोज मैंने डाल दिया पिक्चर विंडो एंड देन ओके, तो देखो पेस्ट लिंक में सेम हमारा एक तरीके से पिक्चर ही बन गया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इसी तरीके से हमारे कुछ और ऑप्शंस हैं लाइक आरटीएफ फॉर्मेट में ले जाना है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में ले जाना है, या पिक्चर या ऑब्जेक्ट, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन मिलता है, फॉर्मेट पेंट, चलिए इसको भी ट्राई करेंगे। अगेन मैंने डाटा क्रिएट किया, और यहां पे मैं कुछ एडिटिंग्स कर लेता हूं लाइक दिस, एंड साइज इंक्रीज, बोल्ड इटैलिक
और चलिए अब की बार अंडरलाइन भी कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अच्छा ये तो चलो आपके सामने एडिटिंग्स हुई है, आपको पता है मैंने कब कहा क्या किया, लेकिन अगर ऐसा पार्ट आ जाए हमारे सामने कि हमारे को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या एडिटिंग्स हुई है, उस समय क्या करेंगे? आपको कोई फाइल मिली हुई है उसमें ऑलरेडी एडिटिंग्स हुई है और अब टास्क मिला कि सेम एडिटिंग्स को आगे फर्दर डाटा पे लगाना है, तो बेटा यहां से सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर को एक्टिवेट किया और जस्ट ये देखिए ब्रश टाइप हमारा आइकन बन चुका है और जितने डाटा को सिलेक्ट करूंगा वहां पे मेरी फॉर्मेटिंग्स पेस्ट हो जाएंगी या उधर भी वो सारी फॉर्मेटिंग्स आ चुकी होंगी। लेकिन मैं यहाँ पे मल्टीपल यूज करना चाहता हूं तो क्या करूं? तो देखिए चलिए कंट्रोल जेड से वापसी चलते हैं। और अच्छा एक और बात, यहां से जरूरी नहीं है सारा पैराग्राफ मेरे को पहले सिलेक्ट करना है फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट करने के लिए, आइदर अगर आप वन अल्फाबेट भी यूज करते हो ना या वन अल्फाबेट सिलेक्ट करते हो वो भी इनफ रहेगा। और डबल क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट पेंटर, तो देखिए अब हम इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर पा रहे हैं।